हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर टू स्टोन्स हुज मासेस आर इन द रेशियो 1:2 आर थ्रोन ऑन स्ट्रेट अप विद एन इनिशियल स्पीड यू एंड द सेकंड स्ट्रेट डाउन विद द सेम इनिशियल स्पीड यू नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस देन। अब यहाँ क्या किया गया है, कोई बिल्डिंग है, वहाँ से दो पार्टिकल हैं, लेट्स से एक पार्टिकल हो गया वन एंड सेकेंड पार्टिकल हो गया ये राम, ये वन है एंड ये सेकंड है। इनके मास का रेशियो क्या है, 1:2। अगर ये मास एम है तो ये मास हो जाएगा 2m। एक को वर्टिकली अप थ्रो किया गया है इनिशियल स्पीड यू से और एक को वर्टिकली डाउन थ्रो किया गया है वर्टिकली स्पीड यू से, सेम स्पीड से। अब वो कह रहा है कि स्पीड के बारे में क्या कहेंगे हम यहाँ पे। तो लेट्स से ये हमारे पास ग्राउंड है और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ए और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ बी और हाइट ऑफ बिल्डिंग में मान लेता हूँ एच। अब इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इस इक्वेशन ऑफ मोशन में पार्टिकल फर्स्ट के लिए बात करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी लेट से ये जो हिट कर रहा है पार्टिकल सेकंड वो कर रहा है वी टू से और जो पार्टिकल फर्स्ट है वो इस तरीके से मोशन करते हुए ग्राउंड पर हिट कर रहा है पार्टिकल फर्स्ट, उसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ वी वन। तो पार्टिकल पहले के लिए मैं बात करूँ तो वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाएगी वी वन। इनिशियल स्पीड क्या है, सेम है दोनों की, यू वन में मान लेता हूँ यू एंड यहाँ पर अगर मैं कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, देखो पार्टिकल फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्टिकल इस तरीके से जा रहा होगा, यहाँ तक आते आते पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, उसके बाद टोटल डिस्प्लेसमेंट ये रहेगा सिर्फ। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट किसका हो जाएगा, पार्टिकल फर्स्ट का, और यही डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल सेकंड का हो जाएगा। तो दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा, इनिशियल स्पीड भी सेम है एंड मासेस के बारे में इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, यानी कि मासेस पर इंडिपेंडेंट होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मासेस का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। अब वो कह रहा है कि जब ग्राउंड से टच करते हैं तो वी वन एंड वी टू में क्या रिलेशन होगा, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। अगर मैं सेकंड पार्टिकल के बारे में बात करता हूँ तो उसकी फाइनल स्पीड वी टू एंड यू टू, इनिशियल स्पीड कितने से थ्रू किया गया है यू वन, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट एस वन कितना आ जाएगा एच एंड एस टू कितना आ जाएगा एच। अगर साइन कन्वेंशंस के हिसाब से रखें तो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लें, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो यू वन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन सेकंड पार्टिकल के लिए डाउनवर्ड थ्रू किया गया तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। सेम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो एस वन कितना कवर कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एस टू कितना कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट माइनस के एच माइनस के एच। तो इसमें अगर इक्वेशन में पुट करते हैं तो वी वन स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट माइनस के एच। सेम अगर मैं वी टू निकालता हूँ, वी टू स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल स्पीड यू स्क्वायर प्लस टू इंटू जी इंटू सेम डिस्प्लेसमेंट माइनस के एच। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वी वन और वी टू दोनों बराबर आ रहे हैं यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, बोथ द स्टोन्स विल हैव द सेम स्पीड व्हेन दे हिट द ग्राउंड। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक।